तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के ऊपर। ये गाड़ी जब आई थी हमारे पास तो इस गाड़ी में टैपिट कवर रिप्लेस हुआ, ऑयल सम्प रिप्लेस हुआ, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा बुरी तरह इसका इंजन ऑयल लीक हो रहा था, ठीक है। तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना ये हमने सोचा था, ठीक है ना। उसके बाद जब टैपिट कवर वगैरह सूख गया बढ़िया से, बोंड वोंड लग के प्रॉपर सब कुछ हो गया, टैपिट कवर की वीडियो, कंप्रेशन टेस्ट की वीडियो कैसे करते हैं उनके सब के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है। तो इस गाड़ी में हो क्या रहा है ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कहाँ कहाँ कितना ऑयल आ रहा था, ये देखियो, ठीक है। नया टैपिट कवर मैंने लगाया था इसमें, मतलब हमारे लड़के ने, पीछे देख रहे हो मैनिफोल्ड पे कितना ऑयल है, ये पुराने टैपिट कवर की वजह से है। ये देखिए इधर, ये अपना ऑक्सीजन सेंसर है, इसके ऊपर भी ऑयल आ रहा है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये टैपिट कवर लीक होने की वजह से ऑयल आ रहा था। और इंजन का साउंड अगर आपको सुनाऊंगा तो आप ये कहोगे ये चल कैसे रहा है इस गाड़ी के अंदर, है ना। अभी गाड़ी ऊपर भी उठा लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग और आपको दिखाऊंगा। एंड इसमें लास्ट डिसीजन क्या निकला, अब गाड़ी ओके कैसे होगी, क्या इसमें करना है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। एंड अभी जो मेन कंसर्न है इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक इसमें इंजन ऑयल होना चाहिए जो ऊपर सेकंड बिंदु दिख रहा है, एंड सेकंड बिंदु के जस्ट पास में इसमें इंजन ऑयल है, मतलब लेवल है इसका पूरा, यहाँ तक इसमें इंजन ऑयल है इसके पास तक, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ तक इसमें इंजन ऑयल है, बट अभी जब मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी तो यहाँ से देखना कितना बुरी तरह से धुआं निकलेगा बाहर, ठीक है। धुआं तो निकलेगा ही, एंड आसान तरीके से नहीं, बहुत बुरी तरह से निकलेगा। एक बार स्टार्ट करो गाड़ी ज़रा, एंड इंजन का साउंड भी आप सुनना कैसा है, ये देख लो, एंड पहले धुआं देख लो, आहा हा, इंजन एक तो मिसफायरिंग टाइप कर रहा है, ठीक है, और धुआं, तो बंद कर दो गाड़ी। अभी इस कंडीशन में जब हमने इसका कंप्रेशन टेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा वीक कंप्रेशन आया इसका, ठीक है। वीडियो में डाल दूंगा कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, उसमें मैंने एक्चुएट करके दिखाया है, ठीक है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन निकला है, जब कंप्रेशन टेस्ट पूरा वीक आया इसका, दो तीनों के तीनों सिलेंडरों में बहुत कम आया है, ठीक है। तो इसका इंजन के अंदर इशू आ गया है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ साउंड भी इसका कितना ख़तरनाक आ रहा था, आपने सुना होगा, एक बार फिर से आपको सुनाता हूँ, ये देखो, तो इतनी बुरी तरह से इसमें जो साउंड आ रहा है ये इंजन के अंदर से है, ठीक है, एंड ये चल नहीं पाएगा, इंजन ऑयल खा रही है बहुत बुरी तरह है गाड़ी, बैक कंप्रेशन जो बोलते हैं वो इसके अंदर हो गया है, ठीक है। अभी मैं एक बार गाड़ी और ऊपर उठा के दिखाता हूँ। तो गाड़ी मैंने ऊपर उठा ली है, अभी देखिए जो इसका पुराना ऑयल सम्प था वो तो हमने चेंज कर दिया, नया ऑयल सम्प हमने लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। एंड यहाँ देखिए इसमें ऑयली ऑयल आ रहा है, बहुत बुरी तरह से ऑयल पड़ा हुआ है। मैन ऑयल सील भी इसकी रिप्लेस की है, मैन ऑयल सील भी इसकी लीक हो गई थी, ठीक है। इस तरफ से देखिए चारों तरफ इसमें ऑयली ऑयल था, ठीक है। एंड इसका ना इंजन बाहर करवाया हुआ है, कस्टमर से हमने कन्फर्म कर लिया है, कस्टमर ने पहले नहीं बताया था। ये देख रहे हो ब्लॉक इसका, ये ब्लॉक भी ख़राब हो गया था ये, ठीक है। एंड यहाँ इस पर पेस्टिंग वगैरह करवा के रखी हुई है ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी ख़राब हो गया था, पेस्टिंग वगैरह करवा के इसको चलाया जाने की कोशिश की गई है, तो इसी वजह से इसके अंदर आवाज़ आ रही है, ब्लॉक को फट गया है, ब्लॉक बुरी तरह से देख रहे हो, जुगाड़ कर रखा है ब्लॉक में। तो ये जो जुगाड़ है ना फ्रेंड्स, ये ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए अगर बाहर भी हम काम करवा रहे हैं। ओवरऑल अब इसका जो लास्ट डिसीजन निकला है कि अब इस गाड़ी में होना क्या चाहिए, क्योंकि जब ये गाड़ी आई थी स्टार्ट कंडीशन में नहीं थी, बहुत बुरी तरह ओवर हीट भी हो रही थी, तो दूसरा इसका टैपिट कवर और ऑयल सम दोनों बुरी तरह लीक हो रहे थे, तो स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की गई कि इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इंजन स्टार्ट करने के बाद, मतलब टैपिट कवर और ऑयल सम डालने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया गया, करने के बाद इसमें जो साउंड आया उसको देखने के बाद, एंड अंदर से जो वाइट स्मोक ये दे रही है, जहाँ से इसको देना चाहिए वहाँ से तो दे नहीं रही है, पर जब उसको देखा गया तो उससे कन्फर्म हो गया कि इंजन रिपेयर्ड है, इसके अंदर इशू आ गया है। एंड कस्टमर सर से कन्फर्म किया तो उन्होंने बताया कि हाँ सर, इंजन इसका मैं एक बार बाहर करवा चुका हूँ। तो अब जो डिसीजन निकला है
इंजन रिप्लेस का। अब इस गाड़ी का इंजन रिप्लेस होगा एंड 65 से 70 हज़ार रुपये का इंजन आता है नया। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा इशू हो तो प्लीज़ आप अपनी गाड़ी का इंजन रिप्लेस कराएं, क्योंकि गाड़ी एक बार ले जाती है। अगर वारंटी अगर एक बार में हो जाता है तो बेस्ट है, बट मैं तो यही कहूँगा अगर ऐसा कंसर्न आता है तो आप अपनी गाड़ी को डीलर पे लेके जाएं एंड वहाँ पर उनसे देखें, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो इंजन को रिप्लेस कराएं, बट ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस वीडियो में, इस गाड़ी का इंजन रिप्लेस होगा। ठीक है, एंड क्योंकि बैक कंप्रेशन चेक आ गया इसके अंदर और इंजन चेक किया है पूरा कंप्रेशन टेस्ट करके, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेशन टेस्ट की जो वैल्यू है बहुत डाउन आ गई थी एंड उसी वजह से इंजन को रिप्लेस करने के लिए बोला गया है। ठीक है, एंड 70 हज़ार रुपये तक, 65 हज़ार 66 हज़ार रुपये का इंजन आता है, 70 हज़ार रुपये तक ये कंप्लीट हो जाएगा, नया इंजन डल के गाड़ी ओके हो जाएगी, क्योंकि एक बार ये रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।